हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, इधर भी होंगे। तो आप बात कल करेंगे यार कोरोना के बारे में कि क्या कंडीशन है, ठीक है, क्या कुछ है। इससे पहले ले लेते हैं कुछ पीने का दिल कर रहा है यार, पेप्सी वगैरह। तो पेप्सी वगैरह अभी रूम से नीचे आया तो मेरी बिल्डिंग के नीचे मार्केट है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद करते हैं बात। ये है, ठीक है, चप्पल में है अभी, और मैंने लगा लिया है मुंह पे मास्क, क्योंकि मास्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मार्केट है, एक मेरे नीचे ही, ठीक है। और भाई ये इसका एंट्रेंस है, और कुछ उठा लेते हैं पहले यार इधर से। तो ले लिया पेप्सी, ठीक है। पापा ले लिया ये वाला ड्यू ले लिया, और पीने का थोड़ा दिल था। और अभी जाते हैं बिल्डिंग के नीचे इधर, ठीक है, करते हैं आप लोगों के साथ बात। आगे बिल्डिंग के नीचे, ठीक है। और यार आते सीधा टॉपिक के ऊपर यार, अभी मैं वीडियो बनाने वाला 2 दिन पहले। अच्छे, आप कैसे हैं? तो भाई ये एक कंपनी का ओनर है, मालिक है ये लड़का, और क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। इसकी खुद की गाड़ी है, उसको होटलों पे जैसे बोलते हैं ना यार, मेरे समझ लेमोजीन कंपनी बोलते हैं नहीं कंपनी को, ठीक है। तो उनके साथ में हेलो हाय है, ठीक है। चलो, मेरे कहने का मतलब ये क्या है कि भाई दुबई की अभी क्या कंडीशन है, और लॉकडाउन की सबसे पहले बताते हैं लॉकडाउन की। तो 2 दिन हो गए दुबई में, जैसे पहले बाउंडेशन रहती थी कि लाइक मॉर्निंग से 6 बजे से रात के 11 बजे तक, 10 बजे तक भी हुई, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इनके रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया था कि सुबह के 6 बजे से रात के 11 बजे तक लॉकडाउन ओपन था, बट उसके बाद में बाउंडेशन थी कि जिनके पास परमिट है, मींस जिनको इम्पोर्टेंस है, डॉक्टर हुए या रेस्टोरेंट वाले हुए, मींस एक उनको अथॉरिटी दी गई, जैसे क्लीनिंग वाले हो गए, सफाई रोड पे, मींस जिनको अथॉरिटी है, जिनके पास परमिट है, वो लोग बाहर जाएंगे 11 बजे के बाद में, और वैसे नहीं जाएंगे। बट अभी ऐसा नहीं है, सेम जैसे दुबई पहले था, ठीक है, सेम ऐसा हो गया है। बस बाउंडेशन ये है कि आपको ये मास्क लगा के रूम से बाहर निकलना है, ठीक है, ये होना चाहिए। किसी भी मॉल के अंदर जाएंगे ये होना चाहिए, आपके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक से, ठीक है। ग्लव्स भी ना हो तो आपको एंट्री मिलेगी, बट ये ना हो तो आपको फाइन भी 3000 तक मिलेगा, मीन्स 3000 UAE, तो टोटल होते हैं इंडिया के 60 से 65 हज़ार तक। तो उस चीज़ों का ध्यान रखें, और दुबई बैक हो चुका है, कोई अब इसमें रात को या 24 आवर्स सेम पहले की तरह इसका कोई टाइम नहीं है, कभी जाओ कभी आओ, ठीक है। और जॉब के बारे में तो भाई तुमको मालूम है अभी कि पूरी दुनिया के हालात अभी डाउन है, ठीक है। जॉब वगैरह अभी ये समझो वगैरह अभी भाई बहुत कम है, ठीक है, जिसके पास है वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई अभी ये समझो 50% से भी ज़्यादा जॉब लेस हो गए आदमी, ठीक है। और दुबई धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, हाँ न्यू जॉब ओपन हो रही हैं, जो ओनली दुबई के अंदर है उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है उनको, क्योंकि अभी बाहर से तो इंडिया की तो कोई फ्लाइट नहीं आ रही। कुछ लड़के बोल रहे हैं भाई इंडिया की, भाई कोई पता नहीं है, अभी 7 तारीख को फ्लाइटें बता रहे थे, वो भी जाने के आने का पता नहीं, और वो भी डिले कर दी गई 15 तारीख तक, ठीक है। तो अभी वो भी कोई पता नहीं क्या कंडीशन आएगी, और विजिट वीज़ा 7 तारीख को ओपन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को
विजिट वीज़ा मिल गया, जब फ्लाइट नहीं मिलेगी तो विजिट वीज़ा के आप लोग क्या करेंगे, सही है ना, या विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा, क्योंकि 7 तारीख को दुबई ओपन कर रहा है वर्क परमिट अपना, वर्क परमिट किसी भी तरह का सेम पहले की तरह 7 तारीख को सेम पहले विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, हर चीज़ अपने फ्लाइट है सब चीज़ ओपन कर दी, कर रहा है 7 तारीख को, ठीक है। अभी देखो उसको फाइन दे रहा है वो, ठीक है, वो बिना उसके गाड़ी उधर खड़ा किया, ठीक है, वो फाइन दे रहा है उसको। देखा आपने कैसे फाइन मिलता है, इधर मुझे भी फाइन मिला है, इधर आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था पहले मैं, वो वीडियो मैं एक दिन बनाऊंगा कि इधर फाइन कैसे मींस इधर क्या होता है, जो गाड़ी पार्क करते हैं ना तो इधर गवर्नमेंट को उसका पैसा देना पड़ता है, पर एक घंटे का 2 दरम होता है, ठीक है, तो उसके बराबर में इधर रोड के बराबर में मशीन होती है, उसमें 2 दरम चेंज डाल के एक घंटे के लिए स्लिप मिलती है, एक छोटी सी स्लिप मिलती है, तो गाड़ी के आगे रखनी होती है वो, ठीक है, तो जो उसको नहीं करता और गाड़ी खड़ी कर देता है तो उसको आरटीए वाले जो गवर्नमेंट के होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, उनका यही काम होता है, तो फाइन दे देते हैं वो, और फाइन भी डिपेंड करता है, वो कभी 200 का देते हैं, कभी 400 का देते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर, लेकिन 200 का मिनिमम होता है, ठीक है। लाइव में मेरे सामने हो गया ये, उसको फाइन दे दिया, वो एक बार दे दिया तो नहीं रुकते वो लोग, ऑनलाइन होता है पूरा, ठीक है, ऐसा 10-20 धर्म दे के नहीं काम चलता, जैसे अपनी तरफ इंडिया को मेरे को पता नहीं भाई, मैं कभी पता नहीं मेरे को, उधर भी शायद ऐसा है, दिल्ली मुंबई में तो ऐसा होगा सेम, ठीक है। लाइव में मेरे सामने हो गया ये, उसको फाइन दे दिया, वो एक बार दे दिया तो नहीं रुकते वो लोग, ऑनलाइन होता है पूरा, ठीक है, ऐसा 10-20 धर्म दे के नहीं काम चलता, जैसे अपनी तरफ इंडिया को मेरे को पता नहीं भाई, मैं कभी पता नहीं मेरे को, उधर भी शायद ऐसा है, दिल्ली मुंबई में तो ऐसा होगा सेम, ठीक है। आज का वीडियो बहुत वैसा हो गया आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गई, मेरे कहने का मतलब यार दुबई अभी 24 आवर्स ओपन हो गया है, कोई मुश्किल नहीं है इधर, और जल्दी जॉब भी जल्दी ओपन हो जाएंगे इधर, और जो दुबई के अंदर है उनको जॉब कुछ मिलनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि कंपनी अपना स्टार्ट होने लगी है दोबारा, और बस यही आप लोगों के साथ में था, हाँ अभी थोड़ा वेट कीजिए और अच्छे दिन पहले की तरह ही आएंगे, और दुबई सबसे जल्दी जॉब प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लिया दुबई ने, ठीक है, ओके, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, बाय बाय। हाँ अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगे तो भाई शेयर भी कर देना, ठीक है, ओके भाई, मैं भी अभी कपड़े वगैरह धो लेता हूँ जाके, ठीक है, ओके, बाय बाय।